खाना बनाने आता है? जी खाना बनाने आता है। नमस्कार, आप देख रहे सम्राट न्यूज और लोकल न्यूज 24 और मैं आपका भाई सम्राट सचिन। तो मैं अभी तिलोथू के जो एलपीजी गैस एजेंसी है वहाँ उपस्थित हूँ और यहाँ पर हम कुछ दिन पहले वीडियो डाले थे जो सोलोनी वायरल हुई थी, उनको समीर जो वादा किए थे कि उनको एलपीजी गैस देने के लिए, और वादे के मुताबिक समीर जी आज यहाँ पे गैस एजेंसी के पास पहुँच चुके हैं और वहाँ पर सोलोनी जी की सोलोनी की माँ भी उपस्थित है। तो चलिए मिलते हैं सोलोनी की माँ से और समीर जी से और अंदर का रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम गैस एजेंसी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ ऑफिस में सोलोनी की माँ समीर जी और उनके साथ कुछ सहयोगीगण भी सब उपस्थित है। तो चलिए मिलते हैं सब लोग से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सोलोनी भी आ चुकी है, तो चलिए पहले सोलोनी से मिलते हैं। सोलोनी, ये बताओ कि सर जैसे पहला वादा पूरा किए थे, तुमको साइकिल दिए थे और आज यहाँ पे एलपीजी गैस भी मिलने वाला है, कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना जी। तो सर के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ और अब मदद कर रहे हैं तो और भी अच्छा है, और मेरी तरह और भी गरीब है उन लोगों को भी मदद करने की बहुत जरूरत है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे से कुछ सर को मदद है क्या, फायदा है क्या? नहीं नहीं है ना, फिर भी बिना कुछ फायदा के तुम्हारा मदद कर रहे हैं, जानती हो क्यों? क्योंकि चाहते हैं किसी कोई गरीब की लड़की आगे बढ़ के आईएएस और आईपीएस बने। जी तो क्या बन कर दिखाओगे? जी उनके सपने पर खरे उतरोगी ना? जी। खाना बनाने आता है? जी खाना बनाने आता है। तो कभी हम लोग आएंगे तुम्हारे घर, सर के लिए एलपीजी गैस पर खाना बना के खिलाना होगा। ठीक है, खिलाओगी ना? जी। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे के बारे में? सबसे पहले तो धन्यवाद पुनः सलोनी को कि आपने फिर आज दूसरे वादे को पूरा करने में जो आपके चेहरे पे खुशी आई है, इस खुशी को आप जीझार की, इसके लिए आपको धन्यवाद है। चूँकि मैं पहले भी कहा था कि मुस्कान कमाइए, पैसा तो सब कोई कमाता है, तो बेटी ने फिर मुस्कान बिखेरा अपने चेहरे पे, तो मैं पुनः मुस्कान कमा पाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सलोनी को। और आपके माध्यम से जो मैंने दूसरे वादे आपके समक्ष किए थे, पहला जो मैंने कहा था कि मैं साइकिल दूंगा सलोनी को पढ़ने के लिए, वो मैं अगले दिन ही दे दिया था। दूसरा मैंने कहा था कि जिस परिवार को गैस जो नहीं मिल पाया, इस वजह से लोग खाने बना रहे हैं लकड़ी के चूल्हे पे और आँखों में जलन होती हुई उस धुएँ से, तो मैं केवल सलोनी की मदद करने नहीं आया, मैं एक दिन की जिला शिक्षा पदाधिकारी की ही मदद करने आया हूँ। एक दिन की डीईओ अगर चूल्हे पे बना हुआ खाना खाएगी और एक दिन की डीईओ की माँ के आँख में आज भी जलन पैदा होगा धुएं से, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जी। तो मैं एक दिन की आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया को जी। गैस सिलेंडर का लाभ देने के लिए अपने दूसरे वादे को पूरा करने के साथ साथ यहाँ उपस्थित हूँ और वो मैंने कर दिया है। चंद सेकंडों में गैस का सिलेंडर इनके घर पहुंच जाएगा और आज शाम में खाना बनेगा और हम लोग सभी भाई बैठ के पंगत में आराम से सलोनी के हाथ का बना हुआ पराठा भुजिया खाएंगे। बिल्कुल। तो सर हम आपसे ये भी उम्मीद रखते हैं कि आप जैसे बताएं कि डीएम सर आपके बहुत ही करीबी हैं और डीएम सर शायद वादा किए थे जमीन के बारे में, तो क्या आप उसके लिए कुछ बात करेंगे सर से? डीएम साहब मेरे करीबी नहीं है, ये मैंने खुद से कभी नहीं कहा। अच्छा। सर से मैं परिचित हूँ, सर मुझे जानते हैं, मेरे किए गए कार्यों की सराहना करते हैं और डीएम साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो हर अच्छे व्यक्ति की कद्र करते हैं। ऑनरेबल डीएम, अगर आप उनके समक्ष कोई भी अच्छा कार्य करेंगे तो इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वो निश्चित तौर पर आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि जिला अधिकारी इस जिले के मालिक होते हैं और मालिक का कर्तव्य होता है कि हर उस व्यक्ति का ख्याल रखे जो अच्छा कर रहा है, जो गलत कर रहा है उसे वो बड़ा प्रेम से समझाते भी हैं, उससे समय भी देते हैं और कहते हैं कि आप समय सीमा के अंदर अपने आप में सुधार ले आइए, अन्यथा आप पे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो ऑनरेबल डीएम साहब को धन्यवाद कि डीएम साहब मेरी तमाम न्यूज़ को देखते हैं, मेरे खूब किए गए कार्यों की सराहना करते हैं और सर ने मुझसे कहा है कि समीर जी आप अच्छे अच्छे कार्य करें, जहाँ दिक्कत आएगी हम सभी आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। तो सर जैसे कि हर कोई वायरल होता है और 6 महीना 7 महीना बाद वो चकाचौंध की दुनिया में कहीं ना कहीं खो जाता है, तो सर सलोनी के लिए आप फिर से पुनः उस बात को याद दिला दीजिए ताकि ये बच्ची गुमराह ना हो। देखिए, हर बात को बार बार नहीं दोहराया जाता है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अगर सलोनी को गुमराह होना होगा तो मैं सैकड़ों बार अगर ये बात कह दूँ कि बेटा आपको पढ़ लिख के आईएएस आईपीएस बनना है तो ये गुमराह हो जाएंगी। अगर इनके दिमाग में मेरी कही हुई एक बात अगर एक बार सीमित मतलब शामिल हो जाती है तो बिटिया कभी भी उससे गुमराह नहीं होगी। पथ से भटकना और पथ पे अग्रसर होना व्यक्ति के हाथ में होता है। जिस लड़की को लोगों ने खूब वायरल किया है उन लोगों से पूछिए कि इसके दुख की चिंता उन्हें कब होगी। उन लोगों से ये पूछिए इसके माँ इसके भाई इसके पिताजी आखिर कब उनके दिए गए सहयोग पर जिंदा रहेंगे। जब तलक से सलोनी
अपने दम पर अपना जीवन खड़ा नहीं करेगी तब तक तो समीर कुमार, सचिन कुमार, फलना कुमार, चिंदला कुमार कब तक इसकी मदद करेंगे। सरदार भगत सिंह जी ने कहा था कि जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, जनाजे कंधों पे उठाए जाते हैं। तो अपने दम पे जिंदगी जीने के लिए मैं सलोनी को हार्दिक बधाई देता हूँ और ये कहता हूँ कि गायकी के साथ साथ पढ़ाई पर खूब ध्यान दीजिए, बड़े होकर एक अच्छा अधिकारी बनकर समाज में अपने परिवार का अपना नाम आगे बढ़ाइए, क्योंकि यह समाज सफलता को सलाम करता है। ग्लैमर का क्या है, एक ना एक दिन मिट्टी में सबको मिल जाना है, तो इसी उम्र में ग्लैमरस होने के चक्कर में कहीं अपनी पढ़ाई लिखाई का बोरिया बिस्तर ना समेट दीजिएगा, अन्यथा चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात हो जाएगी। सर मैं सलोनी का बहुत दिन से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इनसे मिलने भी आए और बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि जिस क्षेत्र में बच्ची का मन लगा उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, मतलब संगीत की शिक्षा दी जाए, तो क्या ये सही है पढ़ाई से दूर करके इसको मतलब ऐसे करना? तो ये तो सलोनी से पूछिए, सलोनी गाना चाहती है, गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है कि पढ़ना चाहती है। मैंने अपना ओपिनियन सलोनी को दिया है, बगल में सलोनी बैठी, आप ही पूछ लीजिए, हम क्या बोलेंगे, क्या करना चाहिए सलोनी तुम्हें? अभी हमको पढ़ना है भैया, पढ़ना है जी, साफ संगीत की शिक्षा नहीं लेना है, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत लेना चाहूंगा, थोड़ा बहुत लेना जी, खुद सुन लीजिए जी सर, हम क्यों जबरदस्ती इस पे लोड दें भाई कि ना तुम आईएएस बन जाओ आईपीएस बन जाओ जी। वो थ्री इडियट्स वाली पिक्चर में जो एक सीन था कि हर पिता बोलता कि नहीं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा जी। अरे भाई बच्चे क्या बनना चाहते हैं ये पूछो, हु आर यू, आप कौन होते हो बताने वाले कि आप ये बनो जी। बच्चे क्या बनना चाहते, मैंने अपना एक राय दिया, हमने थोपा नहीं कि तुमको आईएसए बनना है, तुमको आईपीएस बनना है, हमने अपना एक सही राय दिया, बिटिया को अच्छा लगा, बिटिया बगल में बात दोहरा भी रही है, अगर ये गायक बनना चाहती है स्वतंत्र है, मैं रोक तो नहीं पाऊंगा, लेकिन ये खुद भी कह रही है कि थोड़ा बहुत गायकी पे ध्यान देंगे लेकिन अभी हम पढ़ेंगे, तो जो जो करना चाहता है ना उसको काइंडली करने दिया जाए, झूठिया का ड्रामाबाजी बंद करें, बहुत हो गया गाना बजाना, अब वीडियो रिकॉर्डिंग, अब ये सब नहीं हो, इसको पढ़ने दिया जाए, आगे बढ़ने दिया जाए, यही सबसे हाथ जोड़ के हमारी विनती है जी। सही बात है, तो चलिए हम सलोनी से जानते हैं कि जो इसे एलपीजी गैस मिल रहा है उससे कुछ मदद होगा कि नहीं। सलोनी जो एलपीजी गैस तुम्हारे घर आज जा रहा है उससे क्या क्या फायदा होने वाला है? उससे खाना बनेगा। तो खाना तो बनता है, पहले ही बनता था, पहले तो गैस पर नहीं बनता था, अगर चूल्हा बनता था ना, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जब हमारी मम्मी चूल्हा पर खाना बना रही थी तो धुआं आँख में जाता था, अब नहीं जाएगा। अच्छा, इतना समझदारी है तो अब तो धुआं नहीं जाएगा, तो अब तो सही होगा जी। खाना तुम ही बनाती होगी कभी कभी? हाँ हम बनाते हैं। धुआं लगता होगा जी, अब तो नहीं लगेगा? नहीं। तो सर को एक बार और धन्यवाद बोल दो। बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी अपने समीर भैया को जी। और मम्मी से क्या कहना चाहोगे? मम्मी से तो यही बोलूँगी कि हमको भी आगे बढ़ने में, मतलब कोई लड़की को जैसे रहता है कि घर वाले दबाव देते हैं कि नहीं लड़की है तुम कहाँ से करोगे, मैं अपनी मम्मी से बोलूँगी कि आगे बढ़ने दो, हम भी कुछ करके दिखाएंगे। अच्छा, तो आप साथ देंगी ना? हाँ बहुत बहुत साथ दें। बुछिया कह दिया कि हमारा आगे बढ़ेगा घर की मदद चाहिए, इसलिए घर जब सपोर्ट ना करे तो बाहरी कोई सपोर्ट ना करे, हर कोई समीर दुबे ना बन सकेला। ना ना बाबू। हाँ तो सपोर्ट करे के मुताबिक समीर जी आपके गैस दे दिलन। हाँ बाबू दे दिलन, हम इनका के बहुत बहुत हमरा तरफ से आशीर्वाद की बढ़स। आशीर्वाद बा। अब तो आँख में धुआं ना लगी, अब तो आराम से खाना बनी। हाँ आराम से खाए बनी बाबू, सावधानी भी बरते को हुई। हाँ ठीक है। अच्छा सलोनी खाना बना ली की ना? चलते गैस मिल गई, समीर जी जैसे आदमी के चलते मिल गई। हाँ तो समीर जी के लिए आप का हम चाहब? बहुत बहुत हम हमारा तरफ ले समीर बाबू के आशीर्वाद की बढ़ जौन सपना पूरा सोचा तन उनका पूरा हो जाओ। वादा तो बहुत कोई लेकिन हर कोई पूरा ना करो थे, लेकिन ये तो पूरा कर देनी। हाँ ये तो बाप साइकिल भी देनी। हाँ एलपीजी गैस भी मिलल। हाँ और आगे भी मिली, आप जब खत्म हुई गैस लेके आ जाए बाबू के साथ है अपना समीर के जो सलोनी के भाई बहन उनका संगे आ जाए और क्यूआर कोड बना खाली फोन कर देगा भैया हम गैस ले ले बानी, वहाँ से पैसा आ जाए गैस ले घर चल जाएगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना? ना ना। तो आप देख रहे हैं कि समीर जी इनको जी जी बोलिए सर। मैं एक बात चाची से अनुरोध करूँ, आप इधर चले आइए या मैं वहाँ चला आता हूँ ताकि आप से बात करने में आसानी। एकदम एकदम सर। ये कुर्सी मेरे भैया का है लेकिन मैं माफ़ी मांग के उनसे बैठ जा रहा हूँ। ठीक है, हमारे भैया यहाँ बैठते हैं। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि आज जब आपको गैस इधर आ जाइए, जब आपको गैस सिलेंडर मिल जाए
तो आप सावधानी पूर्वक खाना बनाइएगा, क्योंकि कई दिनों से आपकी प्रैक्टिस जो है वो छूट गई है गैस पे खाना बनाने की। आप चूल्हे पे खाना बनाती हैं तो सावधानी बरतिएगा, गैस को बढ़िया से बंद करिएगा, उसको ऊपर रखिएगा एक टेबल लगा के, या गैस सिलेंडर को नीचे रखिएगा, पैरेलल में मत रखिएगा कहीं गैस के चलते हवा हवा बहा। चूँकि आपके यहाँ का मैं घर की व्यवस्था देखा हूँ, अभी वो किचन का सेटअप नहीं है, तो थोड़ा एक टेबल मंगा लीजिएगा कहीं से लकड़ी उकड़ी का छोटा सा, और उसके ऊपर रखिएगा गैस का स्टोव, और बगल में रखिएगा सिलेंडर, रेगुलेटर ध्यान से बंद करिएगा। हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित भी रहें, आप सुरक्षित रहेंगी तो आजीवन गैस पर खाना बनाने का लाभ उठा पाएंगी। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उस सुरक्षा का भी ख्याल रखिएगा, और सलोनी से अभी खाना मत बनाएगा, हमने उसको पढ़ने के लिए कहा है, तो प्लीज़ उसको पढ़ने दीजिएगा। ये गीत गौनाई के चक्कर में उसका करियर बर्बाद मत होने दीजिएगा, उसको बोलेगा कि वो पढ़े, आप खाना बनाइएगा, बोलेगा कि हम खाना बनाओ तो नहीं, तू पढ़, आप पढ़ के आईएएस आईपीएस बन, और समीर बाबू के हमारे सपना के साकार कर, आ मन होके तो हर एतवार के दो गानों गाओ, लेकिन हाँ यूट्यूब के चक्कर में, गाना गायकी के चक्कर में अपन करियर के दाव पर मत लगाओ, तोरा पढ़े के बा ओरा के पढ़े दे बरुआ, अभी खाना ओरा शुरू मत बनवाई, ठीक ना। तो ये समीर जी का सलाह था, और समीर जी आपके लिए हम क्या बोले, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं निःशब्द हूँ। और सवाल उनसे किया जाता है जिनके प्रति दिल में संदेह हो, लेकिन मेरे लिए दिल में आपके प्रति कोई संदेह नहीं है, बस हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मैं दर्शकों से आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा जी कि अगर आप हीरो बनना चाहते हैं समाज में जी, चूँकि सब लोग हीरो बनना चाहता है, कुछ लोग फिल्म स्टारों से प्रभावित हो जाते हैं, कुछ लोग किसी फ्रीडम फाइटर से प्रभावित हो जाते हैं, तो कुछ लोग किसी न किसी कारण बस प्रभावित होते हैं और वो उस तरह बनना चाहते हैं। हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ खासकर यूथ से कि युवा, अगर आप अपने समाज का हीरो बनना चाहते हो तो थोड़ा सा रिस्क लेने का प्रयास करो। थोड़ा सा रिस्क ले लोगे ना तो समाज में हीरो बन जाओगे। केवल सांसें लेना ही जिंदगी नहीं है, भगवान ने अगर सांसें हम सभी को प्रदान की हैं जिनके माध्यम से हम जी पा रहे हैं, तो केवल 24 घंटा सांस लेना ही जीवन नहीं है। अरे इन सांसों की अहमियत समझो, कुछ काम करो, किसी की मुस्कुराहटों के कारण बनो, किसी के दुख का कारण मत बन सको। एक रुपए कमाते हो तो 10 पैसे समाज में, गरीब परिवारों में खर्च करने की क्षमता भी रखो। यूँ रुपये बचा बचा कर कब तक अपना जीवन जियोगे? मेरा ऐसा मानना है कि धनवान वो होता है जो खुद को बांटता है, धनवान वो नहीं जो खाना बांटता है, धनवान वो नहीं जो पैसे बांटता है, धनवान वो है जो अपना यश बांटता है, धनवान वो है जो स्वयं को बांटता है। समीर स्वयं को बांटता है, इसलिए मैं इस परिवार के मुस्कुराहट का कारण बना हूँ। आप भी समाज में एक ना एक के मुस्कुराहट कारण बनिए, खुद को समाज में ऐसा बनाकर रखिए कि लोग आपसे मिलकर बोले कि आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। दुनिया सफलता को तो सलाम करती है, संघर्ष को नहीं करती है। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, समीर कुमार जैसे संघर्षशील व्यक्ति का भी आप समर्थन करें, हमारे जैसे सैकड़ों लोग काम करते हैं समाज में उनका भी आप समर्थन करें, सबको प्रेम दें। जितना प्रेम आपने समीर को दिया है, एक गाना था मनोज तिवारी जी का कि जवनिया सिसिया मैया अरे मलिनिया के देलू अरे मैया उहे सिसिया ना। तो मैं कहना चाहता हूँ भगवान से कि जवनी असिसिया मैया अरे है समीरवा के देलू अरे मैया उ है असिसिया ना। अरे हमारा दर्शक लोग के दीहा अरे हमारा सचिन भाई के दीहा माही उ है असिसिया ना। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि जैसे समीर आगे बढ़ रहा है, निरंतर एक सीढ़ी चढ़ रहा है, आप भी आगे चढ़िए, आप भी आगे बढ़िए, समाज को आगे बढ़ाइए। ये संसार तभी आगे बढ़ेगा जब शहर का युवा, देश का युवा सकारात्मक कार्यों में अपनी रुचि रखेगा, ना कि भौकालबाजी के पीछे भागने में। सही बात है। इन भौकालबाजी वालों के पीछे, ये फॉर्चूनर स्कॉर्पियो वालों के पीछे अगर आप भागोगे तो समाज कभी बेहतर नहीं होगा। भागो उसके पीछे जो समाज में कुछ अच्छा करना चाहता है, जिसके अंदर ललक है, जिसके अंदर क्षमता है, उसका सहयोग करो। और देश का युवा अगर चाह जाए तो पत्थर पिघला सकता है सर। इसलिए मैं तमाम दर्शकों से अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि आप हमसे जुड़िए, जुड़कर नया डेहरी बनाते हैं, नया डेहरी का निर्माण करते हैं, नए समाज का निर्माण करते हैं। यही कह के मैं अपने वाणी को आपके सामने विराम देता हूँ। तो जैसा कि देख रहे हैं कि समीर जी ने क्या कहा कि युवाओं को इनके साथ जुड़ना होगा, तो चलिए बहुत सारे मीडिया कर्मी यहाँ पर आए हुए हैं, सबको मौका देते हैं और लास्ट तक आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। जब तक एलपीजी गैस मिल नहीं जाता तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जस्ट पीछे समीर जी वायरल सलोनी को गैस सिलेंडर दे रहे हैं, और ये इनका दूसरा वादा था जो कि पूरा हो चुका है।
और हर माह ये ऐसे ही गैस सिलेंडर देते रहेंगे जब तक सलोनी का परिवार मना ना कर दे। और आप देख रहे हैं समी कुमार जी उसे कुछ वार्तालाप भी कर रहे हैं और पता नहीं क्या बात हो रहा है, लेकिन कम से कम अपना वादा पूरा किए कम नहीं है। एक जननायक के प्रति जो जननायक वादा किए तो पूरा कर दिए, जिसकी ये बोले थे कि जिसकी जितनी औकात होती है अगर एक कलम देने का औकात है उतना ही दीजिए, और ये अपना वादा जो किए तो पूरा हो गया।